हेलो दोस्तों, कैसे हो? सबको राम राम। आशा करता हूँ आप और आपके घर वाले सारे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपका भाई फिर से न्यू वीडियो के साथ आपके सामने। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा हमारे पहले जैसे कि पुराने ज़माने और अभी के खाने पीने में क्या अंतर होता है। दोस्तों, अक्सर बहुतों के आपने मुँह से ये बात सुना होगा, जो अब पहले जैसे वो खाने पीने में बात नहीं रही। दोस्तों, जहाँ अगर देखा जाए जो ये कथन कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि पहले जो हमें जो भी ज़मीन से उगने वाले जो भी खाने पीने के सामान थे, उसमें ज़्यादा कोई भी खाद ये और दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाता था, और वो सारे नेचुरल ढंग से उगते थे और हमारे किसान भाई उगाते थे। दोस्तों, और कहीं ना कहीं सिर्फ इस ये कार्य नहीं हो सकता है, सिर्फ ये वजह नहीं हो सकता है जो हमारे पहले और अभी के खान पीन में जो अंतर बता दे। दोस्तों, अगर देखा जाए जो अभी अभी के जो खाने पीने का जो भी हम खाना पीना खाते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो दोस्तों ज़्यादा मसालादार खाना, ज़्यादा तेल से तला हुआ खाना, ये सब हम अब हर दिन अपने लाइफ में इसको यूज करते हैं। मीठा हो गया, तला हुआ खाना एकदम एक्सेस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि अगर तीन टाइम खाना है तो हमें तीनों टाइम वो सब चीज़ लगभग चाहिए, या बाहर निकले मार्केट तरफ निकले तो वो सब सारे खाना हमें पर डे ही हमारे लाइफ में वो हो जाता है। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो पहले हमारा क्या था, जो अगर हमें मसालादार खाना और तला भुना ये सब खाना खाना रहता था, तो उसके लिए हमें कोई त्यौहार या कोई जन्मदिन या उत्सव का कोई इंतज़ार रहता था, तब जाके वैसा खाना का हम इंतज़ार करते थे, जो चलो वैसा वैसा व्यंजन हमारे घर में बनेंगे, या कोई पार्टी या भोज ये सारे में हमें वो सब खाना मिलता था। लेकिन दोस्तों, अब का खाना समझो तला मसालादार खाना, ये सारे व्यंजन हर एक दिन पर डे तीनों टाइम जितना टाइम हम खाना खाते हैं, कोशिश करते हैं वही सारे खाना हम इंटेक करें। और दोस्तों, देखा जाए जो पहले के लोग होते थे, वो अपने शरीर से ज़्यादा स्वस्थ रहते थे, क्योंकि शारीरिक उनका जो कार्य करने का क्षमता था वो ज़्यादा हुआ करता था, साइकिलिंग पैदल खेतों पे काम और ऐसे कार्य ज़्यादा करते थे। क्योंकि अब के समय में वैसा कुछ नहीं होता, अगर हमें कहीं जाना भी हो या कोई कार्य करना होता है तो हम शरीर द्वारा वो या शरीर के अपने जो ताकत है उनको बिना खर्च किए हुए करते हैं। शरीरी हमारा एक शारीरिक एक्टिविटी कुछ नहीं होता, तो कहीं ना कहीं इसका रीजन ये भी हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे जो हमारा खान पीन जो पहले हमने छोड़ रखा है और अब जो शुरू किया है, कोशिश करें जो मसालादार और ज़्यादा तला भुना खाना हर दिन इसका उपयोग ना करें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।